एक मूवी आई है थिएटर्स में, मिस्टर मम्मी, जिसमें देशमुख फैमिली लीड रोल में दिख रहे हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, कैसी है ये मूवी, क्या थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या थे इसके नेगेटिव पॉइंट्स। वेल, मेरा नाम है अनिल और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मिस्टर मम्मी का। तो चलिए, सबसे पहली बात यार, ये मूवी थिएटर्स लायक तो है ही नहीं। इसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना था, जैसे लाइक MX प्लेयर, बट नहीं। इस मूवी के मेकर्स को तो पूरा भरोसा था कि ये थिएटर लायक माल है और जनता इसे देखने आएगी, वो भी किस मूवी के अपोजिट में, दृश्यम 2। यार, इस मूवी के मेकर्स को दाद देता हूँ जो इतनी हिम्मत है इनमें कि दृश्यम 2 के अपोजिट में इस बकवास से स्क्रिप्ट को मेकर्स ने थिएटर्स में लाने का सोचा। आगे चलिए बात करते हैं मूवी के कहानी के बारे में। तो इसमें एक अमोल नाम का टीचर है जो कि फॉरेन में सेटल्ड है, जो कि फॉरेन वाले बच्चों के स्कूल में एक PTI है, और इस बंदे को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इसे अपनी लाइफ में भी बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट एक दिन एक्सीडेंटली इसकी बीवी हो जाती है प्रेग्नेंट, एंड एक्सीडेंटली ही अमोल भी प्रेग्नेंट हो जाता है, एंड इसके आगे फिर शुरू होती है बिना सर पैर वाली कहानी। वैसे मूवी की ड्यूरेशन है मात्र 1.5 घंटे। शायद इसके मेकर समझ गए होंगे कि इसके आगे जनता इसे झेल भी नहीं पाएगी। मूवी में एक्टर सारे ही अच्छे हैं, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही एक्टर फोर्सफुली एक्टिंग कर रहे हैं, और स्पेशली जेनेलिया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मूवी बनने के बाद ये लोग कभी बैठकर देखते नहीं है क्या कि हमने क्या माल तैयार किया है। एंड जेनेलिया के बारे में बोलूँ तो इतने सालों बाद कमबैक किया किसी मूवी में, बट उतना खास मज़ा नहीं आया। लिटरली बताऊँ तो इससे अच्छी एक्टिंग आप दोनों अपने इंस्टाग्राम रील्स में कर देते हो, इट्स ट्रू। ना इस मूवी के डायलॉग सुनकर हंसी आती है, ना इसके सिचुएशनल कॉमेडी सुनकर। और तो और, ये मूवी कॉमेडी जोनर में आती है यार। पता नहीं इस मूवी के मेकर्स को इस मूवी में इतना पोटेंशियल कैसे दिख गया कि इसे थिएटर्स में लाने की सोच ली इन्होंने। अगर सच बताऊं तो इतनी सी भी हंसी नहीं आई है पूरे थिएटर्स में किसी को भी। मेरे साथ ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे खास इस मूवी को देखने, बट जितने भी आए थे इतनी सा भी नहीं हंसे। इसके पुअर डायलॉग्स, पुअर एक्टिंग, एंड सच्ची बताऊँ तो फोर्सली हुई एक्टिंग, पुअर स्क्रिप्ट राइटिंग। इसी के साथ लास्ट में एक गाना आता है जो कि एक पुराने गाने का रीमेक है। लिटरली बताऊँ तो बस पूरी मूवी में थोड़ा बहुत वही गाना मुझे अच्छा लगा, बाकी पूरी मूवी बकवास थी। एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो इस मूवी के स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी दम नहीं था यार। एक आदमी प्रेग्नेंट हो गया है और उसकी फैमिली फॉरेन में है। अगर मैं सच्ची बताऊं तो ये बात जैसे हमारे इंडिया में होती और उसकी फैमिली भी यहीं होती, लाइक मिडिल क्लास लोग वगैरह होते हैं, उनके फॉरेन से कोई कनेक्शन ही नहीं होता ज़्यादातर, तो उस चीज़ को देखने में हमें भी मज़ा आता और आप लोगों को भी मज़ा आता, क्योंकि वो चीज़ हमसे कनेक्ट हो पाती सही से। एंड लास्ट में ये जस्टिफाई भी किया जाता है कि एनी केसेस में आदमी भी प्रेग्नेंट हो सकता है, जिसके बारे में मैंने घर आकर गूगल पे जानकारी इकट्ठा किया तो वो बात सही थी। बट एक प्रेजेंटेशन भी कुछ चीज़ होती है यार, मूवी को प्रेजेंट कैसे किया जाना चाहिए, डायलॉग उसके, और अगर आप कॉमेडी जोनर की मूवी बना रहे हो तो उसमें सिचुएशनली कॉमेडी अच्छी होनी चाहिए। डायलॉग तो अलग चीज़ है, आपको मज़ा आना चाहिए, पता चलना चाहिए सामने से कोई आदमी एक्टिंग कर रहा है तो अपने आप हंसी निकलनी चाहिए। और लास्ट में इस मूवी को और भी ज़्यादा बेकार बनाते हैं इस मूवी के कैमरा एंगल्स यार। मतलब मूवी के 80% सीन ही बिल्कुल क्लोजअप में लिए गए हैं, सिर्फ सर ही सर दिखता है, बाकी कुछ है ही नहीं। कैमरा एंगल्स तो यार अच्छे कर लेते। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी बॉलीवुड का ज़्यादा समय चल रहा है, कॉमेडी लाइक तो कोई मूवी अच्छी आ ही नहीं रही है पूरे बॉलीवुड से। मुझे बस एक ही बंदे से थोड़ी सी उम्मीद थी, रितेश देशमुख, जो कि कॉमेडी कर सकते हैं, बट इस मूवी में उन्होंने भी कुछ अच्छा किया नहीं है। एंड मूवी फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, एंड मुझे लगता है कि देखने लायक ही नहीं है। मैं करता हूँ इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड ऐसे ही ऑसम रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल AK Explained को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।